नमस्कार दोस्तों, हिमाचली उथड्डा में आपका स्वागत है। जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। फाइनल ईयर में आपने क्या करना है इसके बारे में आपको डिस्कस करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि फाइनल ईयर के बाद आपने क्या करना है। मुझे मालूम है बहुत से स्टूडेंट, चाहे आप बीए के हैं, बीएससी हैं, बीकॉम हैं, बीसीए है, बीबीए है, आप फर्दर अपने फाइनल ईयर के बाद हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या कोई और कोर्स करना चाहते हैं जो आपको अच्छा लगता है। दोस्तों, सबको पता है कि फर्दर हायर स्टडीज़ में अगर अपना एडमिशन लेनी है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में या आप अब्रॉड जाना चाहते हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए। लेकिन बीइंग अ हिमाचली स्टूडेंट, मैंने देखा है कि कुछ एक फॉर्म जो हिमाचल के स्टूडेंट्स को कम से कम भरने ही चाहिए, वो यूनिवर्सिटीज़ में आपके लिए आज लेकर के आया हूँ। और कैसे आपने एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी करनी है ये भी मैं आपको थोड़े से टिप्स देने वाला हूँ, तो वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले, आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, फाइनल एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाले हैं, उसकी तैयारी आप कर रहे होंगे। फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। लेकिन दोस्तों, सिर्फ आपने फाइनल एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं करना है, इस बार आपका एम है पोस्ट ग्रेजुएशन में सीट लेना। हर साल बच्चे जो हैं ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बहुत से एंट्रेंस टेस्ट भरते हैं, और मेरी बात मानिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन रहता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें सीरियसली, तो एंट्रेंस टेस्ट को पास करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं रहती है। पेपर जो है वो बेसिक लेवल का आता है, लेकिन टाइम की कमी होने के कारण हम तैयारी नहीं कर पाते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 100 में से 50 बच्चा तो बिना पढ़े ही पेपर देने चला जाता है। तो दोस्तों, बिना तैयारी किए अगर आप जाओगे तो आपके हाथ में निराशा ही लगेगी। घर वालों का प्रेशर एक रहता है आपके ऊपर कि एडमिशन मिली या नहीं, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड अगर आप करना चाहते हैं तो सीरियसली आज से स्टडी करना शुरू कर दीजिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको बता देता हूँ जिनके फॉर्म आपने ज़रूर भरने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं के ही फॉर्म भरने हैं, इसके अलावा आप जो मर्ज़ी फॉर्म भरिए, आपको अच्छे ऑप्शंस पता होंगे, लेकिन ये फॉर्म तो आप ज़रूर भरिएगा। हिमाचल में हैं तो हिमाचल में दो यूनिवर्सिटीज़, HPU और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये बेसिक्स जो कोर्सेज़ हैं जैसे कि MSc, MBA, ये प्रोवाइड कराती हैं, और इसके अलावा भी आप कर सकते हैं। तो HPU का फॉर्म आप ज़रूर भरिएगा। जो लोग BSc के हैं, MSc करना चाहते हैं, MSc फिज़िक्स, MSc केमिस्ट्री या फिर मेडिकल स्ट्रीम के हैं, तो वो HPU के फॉर्म भरिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरिए। MCOM करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, वो इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी अप्रैल के बाद मई जून में कभी भी इनके फॉर्म निकल जाएंगे। जैसे ही निकलेंगे मैं आपको ज़रूर नोटिफाई करूँगा इस चैनल के माध्यम से। पिछले साल से मैंने ये चैनल चला रखा है, अभी एक साल पूरा नहीं हुआ है, और ये इस पर मैं टाइम टू टाइम जो है वीडियोज़ डालता रहता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा हिमाचल में और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर में, और आपकी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है नौणी सोलन में। तो अगर आप उन फील्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है, चंडीगढ़ में ये है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, आप इसके लिए डिफरेंट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी कोर्सेज ये यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, ये आपको जो प्रोस्पेक्टस आएगा तो मैं पूरे प्रोस्पेक्टस में पूरी डिटेल के साथ ज़रूर बताऊँगा। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के अलावा आप गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ये अमृतसर में है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज, मतलब कोर्सेज तो इतने ज़्यादा होते हैं कि आपने सोचा ही नहीं होगा कि इस चीज़ का भी कोर्स होगा, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिस इंटरेस्ट सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। उसके अलावा आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, ये सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनफैक्ट PU आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो HPU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, इनके लिए तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके अलावा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जितने भी इंडिया में हैं उसके लिए एक पेपर कंडक्ट होता है, CUCET, कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके थ्रू आप इंडिया में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के। जैसे CUHP में आपको अगर हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन लेने के लिए अप्लाई करना है तो उसका अलग से फॉर्म निकलता है, वहाँ पर CUCET की वैलिडिटी रहती नहीं है। और अगर कुछ ऐसा होगा तो प्रोस्पेक्टस में हम देख लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो ये फॉर्म तो आप ज़रूर भरिएगा। इसके अलावा आप अगर MBA करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है IIM का, उसके लिए आपको CAT या MAT क्लियर करना होता है,
वो सब चीज़ें जो है डिफरेंट हैं, आप अपने हिसाब से चलिएगा। मैं जनरली सबको लेकर के चल रहा हूँ जो सिंपल एम कॉम वगैरह करना चाहते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन रहता है मास्टर्स करने के अलावा, वो है आपके पास बीएड करने का। तो बीएड जो है आपको पता है हिमाचल में जो है बहुत सारे बीएड कॉलेज हैं, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस गवर्नमेंट सीट्स दो ही जगह पर हैं, एक धर्मशाला में और एक शिमला में, और सीट्स लिमिटेड रहती हैं, इसलिए कंपटीशन बीएड में गवर्नमेंट सीट के लिए बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन मेरी बात मानिए, लास्ट में प्राइवेट कॉलेजेस में भी सीट्स आपको नहीं मिलती हैं। मैंने देखा है लास्ट ईयर, मैंने पूरी कवरेज की थी बीएड के बारे में, तो लास्ट में अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है, इसके लिए भी एंट्रेंस टेस्ट होता है। टेस्ट बहुत कॉमन है, इजी है, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग टीचिंग में जेबीटी वगैरह करना चाहते हैं प्लस टू लेवल पे, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन रहते हैं। जेबीटी और बीएड को मैं अलग से कवर करूंगा, लेकिन यहाँ पर एक जनरल मैंने आपको बता दिया कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपने सिर्फ फाइनल ईयर एग्जाम की तैयारी ही नहीं करनी, जब भी आपको समय मिलेगा डेली 2 घंटा 1 घंटा निकाल के आपने सारे टॉपिक्स को पढ़ लेना है। अब इट इज़ टाइम टू बूस्ट अप योर प्रिपरेशन, आप अपनी तैयारी को बूस्ट अप कीजिए। अगर आपने अब तक तैयारी करना शुरू नहीं किया है तो प्लीज़ यही सही समय है, तैयारी करना आप शुरू कर दीजिए। अब क्या है टिप्स एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने के? सबसे पहले जितने भी ग्रेजुएशन के टॉपिक्स हैं, आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, या अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां जो आपका सेमेस्टर है उसमें जो आपको बुक्स थी उसका जो सिलेबस था, एटलीस्ट आप उसे रिवाइज कर लीजिए। कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेपर का लेवल जो है बेसिक नेचर का रहता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जो है हम तैयारी अच्छी तरह से नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप समय रहते अभी से डेली का 1 घंटा भी निकालेंगे ना, क्योंकि आपने एक सब्जेक्ट में करनी, मान लो आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, आपने 3 चीज़ें पढ़ी हैं नॉन मेडिकल वालों ने, तो आपने एमएससी तो एक सब्जेक्ट में करनी है ना जो आपको अच्छा लगता है। आप चाहे केमिस्ट्री में करो, चाहे आप फिजिक्स में करो, चाहे आप मैथ में करो, मान लो आपको फिजिक्स अच्छा लगता है तो आप फिजिक्स सब्जेक्ट को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर या पहले सेमेस्टर से छठे सेमेस्टर तक का जो सिलेबस है आप उसे पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं है, डेली आप अगर 1 घंटा भी देंगे तो कम से कम अगर आप 70% सिलेबस भी पढ़ के जाएंगे तो कुछ आपको पढ़ा हुआ भी याद होगा, तो भी आप पेपर के लिए तैयारी करके जा रहे हो कुछ। लेकिन दोस्तों ब्लैंक जाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हर कोर्स की लगभग 30 सीट्स रहती हैं, तो आपको इन्होंने 30 बच्चे चुनने हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया लेवल पर सभी लोग अप्लाई करते हैं, मेरी बात जान के रख लीजिए। सिर्फ हिमाचल तक कंपटीशन नहीं रहा है, लोग दिल्ली, बॉम्बे, साउथ से आते हैं यहाँ तक पढ़ने, क्योंकि उनको वहाँ पर एडमिशन नहीं मिल रही, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये बात को लेकर के मत चलिएगा कि आपका कंपटीशन सिर्फ हिमाचल में है, आउटसाइड हिमाचल के बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। HPU में भी 30, 35 या 40 सीट्स इतनी रहती हैं हर कोर्स में, से ज़्यादा नहीं रहती, सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज रहती हैं, उसका फंडा मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के बाद मैं एक दो वीडियोस डालने वाला हूं। मेरे पास अब क्वेश्चन आपके पास ये भी रहता है ना कि सिलेबस क्या क्या रहेगा। वैसे तो बेसिकली आपके ग्रेजुएशन का सिलेबस कवर हो जाएगा, लेकिन मेरे पास पिछले साल के कुछ प्रोस्पेक्टस पड़े हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के, उनमें मैं आपको सिलेबस दिखाऊँगा एक बार कि ये सिलेबस है। हर साल लगभग सिलेबस वही रहता है, थोड़ा बहुत चेंज आता है या नहीं भी आता है, तो एक आइडिया आपको मैं दे दूंगा कि पिछले साल क्या सिलेबस इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स का बताया था। वो आपको मैं कुछ दिनों में डाल दूंगा वीडियो बनाकर के इस चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो मैंने सिर्फ आपके लिए बनाई है ये रिमाइंडर देने के लिए कि प्लीज़ आप अपने बेटर फ्यूचर के लिए अगर आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और आपको अगर कुछ और जानना है एडमिशन्स के बारे में तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए अपनी क्वेरीज़ को, और जिस टॉपिक पर आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाने की। दोस्तों थोड़ा बिजी होने के कारण बहुत कम वीडियोस बना पाता हूँ आजकल, पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टाइम टू टाइम जैसे समय मिलेगा यूज़फुल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। सो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।